सज्जन साहिबानों, आप सुन रहे हैं किस्सा द्रौपदी चीरहरण, रागनी नंबर 11। आप इससे पहले की और बाद की रागनियां भी YouTube पर सर्च करके सुन सकते हैं, किस्सा द्रौपदी चीरहरण, गायक तरुण वालियान और रागनी का नंबर डाल के। आइए मेहरबानों, आज जब चीर के साथ छेड़छाड़ की जाती है, मेहरबानों आज एक समय पर इतनी क्रोधित हो जाती है द्रौपदी कि चेहरा एकदम अंगार की तरह लाल दिख रहा था। क्यों? क्योंकि वो स्वयं अग्नि स्वरूपा थी। मेहरबानों, आज श्राप देने लगती है सारे कौरव कुल खानदान को और कुरु वंश को, किसी को नहीं बकसती है। एक अबला के दिल की पुकार सुनिए, किस तरह श्राप देती है, सुनेंगे तरुण बालियान सादीपुर की आवाज में। जब श्राप देने द्रौपद हो पड़े सभी के द्रौपदी पे गया ध्यान, हलचल होने लगी सागर में, तहके ऊपर घड़िया तूफान, थर थर कांप जीव जगत में, मिटने वाला नाम निशान। नहीं कुछ टाल होगी, मुख से निकला एक शब्द तो प्रलय यहां तत्काल होगी।
कथा सुन के बोल। इंद्र का सिंहासन हिल गया, धीरज उसका गया डोल। ऋषि मुनि और संत महात्मा कारण सारे रहे टटोल। बीच में आ जाती है और अपने बेटों को फटकारती हुई और द्रौपदी
द्रौपदी को गले से लगा लेती है और श्राप देने से रोक देती है। साथियों, पांडवों का जो कुछ छिना था वो सब उन्हें वापस हो जाता है और यहीं पर इस पर्व का, इस किस्से का समापन किया जाता है। मिलते हैं किस नई रागनी किस्से के साथ। जय हिंद, जय भारत।